रसूल करीम अम्माबाद। एक बहन ने ख्वाब पूछा कि मैंने सौंफ ही सौंफ देखे हैं घर में, ये किस चीज़ की अलामत है? सौंफ देखा और सूखे और खुश्क सौंफ देखना ये कुरान तकलीफ की अलामत है। अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन को तकलीफ़ों से महफूज फरमाए, मुसीबतों से दूर फरमाए, अपने करम और रहम के फैसले फरमाए, तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली लंबी ज़िंदगी आमाल वाली ज़िंदगी हर भाई बहन को अता फरमाए, पूछे अता फरमाए, परेशानी से बचाए। इसी तरह एक भाई ने ख्वाब में देखा, वो कह रहे खून ही खून है और मैं उसमें जैसे बच्चा लेटता है इस तरह लोटपोट हो रहा हूँ, खून में इस तरह लटपट वो करना लौटना, ये इसका मतलब है नेमतों में माला माल है और कोई कामयाबी मिलने वाली है। नेमतों की जैसे अल्लाह बारिश कर दे तो इस तरह ये बारिश होने वाली है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह हर मेरे भाई को मेरे बहन को नेमतों की बारिश अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, सादत अता फरमाए, परेशानी से बचाए, खुशियाँ अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। एक भाई ने ख्वाब में देखा कि अगर मैं मार्केट में गया दुकान पे, फिर मैंने इजारबंद ख़रीदा। इजारबंद ख़रीदना किस बात की अलामत है? प्यार इजारबंद ख़रीदना इस बात की अलामत है कि अगर कुंवारे है तो अल्लाह शादी अता फरमाएंगे, निकाह अता फरमाएंगे, मज़े की ज़िंदगी गुजरेगी और अच्छा रिश्ता होगा। लेकिन अगर शादीशुदा है तो इसका मतलब है अल्लाह कोई बेटी अता फरमाएंगे जो नसीब वाली होगी, अच्छी ज़िंदगी अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन को अता फरमाए, बरकत वाली ज़िंदगी अमाल वाली ज़िंदगी किरदार वाली ज़िंदगी अता फरमाए, परेशानी से बचाए, खुशी अता फरमाए। आइए तय कर लीजिए हम अपने वतन माशरे के लिए बेहतरी का ज़रिया बन जाएँ, तो इसके लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल फरमाबरदारी में आना पड़ेगा, नाफरमानी से बचना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है मेरा हर भाई मेरी हर बहन हमारे हर पैगाम को खुद भी सुनेगा, दूसरों को सुनाएगा, खुद भी अमल करेगा, दूसरों को भी कराएगा।